सचार जी, दीपावली के दिन लोग जुआ खेलते हैं, ये जुआ खेलना कितना शुभ रहता है या कितना गलत है ये? हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आपका प्रश्न जो है जुआ खेलना, तो जुआ जो है वह जुआ नाम ही खराब है, जुआ खेलना जो है वह अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन विशेषतः दिवाली के दिन लोग जुआ खेलते हैं अपना भाग्य आजमाने के, ये आदत नहीं है तो उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके सालों भर का भाग्य जो है आजमाने के लिए लोग आपस में घर में बैठ करके जुआ खेलते हैं। ऐसी परंपरा है, प्राचीन से ही चली आ रही है। एक सतयुग की दंत कथा है, कोई पौराणिक कथा प्रमाणित नहीं है, कि सतयुग में एक बार शंकर जी घर में कैलाश पर बैठ करके अपनी पार्वती के साथ जुआ खेले थे, ये दंत कथा मिलता है। और उस जुआ में पार्वती ने शंकर जी को हरा दिया था और शंकर जी हार गए थे, हार करके और पार्वती जीत गई थी, ये दंत कथा मिलता है। कोई प्राचीन पुराणों में ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन यह प्रमाण है कि द्वापर युग में महाभारत की लड़ाई जुआ से ही प्रारंभ हुई थी। उस समय चौसर का खेल होता था, भगवान कृष्ण भी चौसर खेले हैं। मामा शकुनी का नाम आप लोग सुने ही हैं, तो मामा शकुनी भी चौसर से कौरव और पांडव का महाभारत करा दिया। तो जुआ शब्द जो है तो यह प्राचीन, लेकिन इसको आप जीवन का दिनचर्या न बनाएं। दिवाली के दिन अपने परिवार में बैठ करके जुआ खेलें और भाग्य आजमाएं, यह दिवाली के दिन शुभ माना गया है, ऐसी परंपरा है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसका कहीं वर्णन नहीं है।